नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं देश की तमाम खबरों की ओर। टीकमगढ़ जिले की विधानसभा अंतर्गत नगर परिषद पलीरा में पानी की समस्याओं को लेकर महिलाएं हुई लामबद्ध। नगर परिषद कार्यालय में आकर किया विरोध प्रदर्शन। और आपको बता दें कि नगर के वार्ड क्रमांक 1 सूरजपुरा मोहल्ले में पानी की समस्या मुसीबत बनी है, जहां लोग पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 10 वर्ष से नल जल योजना का पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुँच रहा। साथ ही नगर परिषद के द्वारा बिल बराबर दिया जा रहा, जिसको लेकर आक्रोशित महिलाओं के द्वारा नगर परिषद कार्यालय में आकर विरोध प्रदर्शन करके प्रभारी महादेव अवस्थी से पानी की समस्या को हल कराने की मांग की है। वहीं प्रभारी महादेव अवस्थी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। जिला ब्यूरो हरिशंकर जड़िया की रिपोर्ट। शांति कहाँ की हो, किस वार्ड की हो? सूरजपुरा वार्ड नंबर 1। क्या हो गया? पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। 10 साल से कनेक्शन है लेकिन पानी नहीं जा रहा, बिल बराबर चल रहा है। हमारे बिल माफ हो गए या कनेक्शन कट गए, हम कोई पैसा नहीं देंगे। नगर पालिका आई हैं आप लोग? नगर पालिका आए हैं, कई बार आए लेकिन एक कभी नहीं कुछ। तो क्या कहा सीएम ने? बोल देते हैं कि होगा होगा, बड़े ना 5 दिन 4 दिन। क्या चाहते हैं हो जाते हैं कभी कभी तो आगे आगे जो नगर पालिका में रहती कहता है कि नहीं जाता है, वो किसी के बिल बंद कर दो, पानी को बंद कर दो। क्या चाहती हैं आप? हम तो पानी चाहते हैं, हमारा बिल माफ हो जाए। 10 साल तक हम नहीं देंगे कनेक्शन, 10 साल तक का बिल हम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं भरेंगे। गरीब आदमी कहाँ से देंगे? ठीक है सर, आज क्या हुआ था हम जानना चाहेंगे। आज जो सारे लोग इकट्ठे हुए थे अपने यहाँ जल समस्या को लेकर के, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता, पूरे नगर में प्रतिदिन पेयजल की सुचारू रूप से सप्लाई की जा रही है। केवल वार्ड नंबर 1 की एक गली ऐसी है, दूरस्थ है, जहाँ पानी का प्रेशर ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है। ब्लाइंड अंदरूनी लीकेज है जो आज से नहीं, काफ़ी समय से है। उसके बारे में जैसे ही पता चला तो हम लोगों ने उसकी खुदाई सुधारने के लिए कार्य लगातार चल रहा है, क्योंकि ब्लाइंड पॉइंट है और जैसे ही तुरंत जो जल्दी ही मिलने की संभावना है। उनके संबंध में बाढ़ में जाकर लोगों से बातचीत की गई थी और उनकी जल संकट के निवारण के लिए सुचारू रूप से पेयजल टैंकर प्रतिदिन आवश्यक अनुसार पहुँचाए जा रहे हैं। कहीं ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है और आगे भी बाढ़ में जाकर जो भी उचित प्रबंध होगा जल प्रदाय के लिए बराबर निरंतर किया जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी।